अब क्यों रुक गए? मुझ में तो दिन के उजाले में बाबा का सामना करने की हिम्मत नहीं, अंधेरा छा जाने का इंतजार करना होगा। शायद अंधेरा हमारे किरदार के इस भयानक रूप को छुपा ले। अंधेरे में ना हमें बाबा का मातमजदा चेहरा दिखाई देगा और ना ही उन्हें अमरियाकारों के मसनूई गमजदा चेहरे दिखाई देंगे। ठीक कह रहे हो, बाबा का सामना करना मुश्किल है। इस कुर्ते को ऐसे तो अपने साथ नहीं ले जा सकते लावी, वो पूछेंगे नहीं कि अगर भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया है तो इस पर खून के धब्बे क्यों नहीं? परेशानी की कोई बात नहीं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। वो लोग हमेशा गुरुबे आफ्ताब से पहले दिन की रोशनी में वापस लौट आते थे, आज देर कर दी। यकीनन यूसुफ के साथ खेलकूद में लगे हुए होंगे, इसलिए वक्त का एहसास नहीं हुआ होगा। क्या हो गया?
हादसे के बाद हम लोग मौजूद नहीं थे। हम सब वक्त और जगह का एहसास किए बगैर खेलकूद में मगन थे कि अचानक हमें एहसास हुआ कि अंधेरा छाने लगा है और हम यूसुफ से बहुत दूर निकल आए। चूंकि यूसुफ हमारे साथ भाग नहीं सकता था इसलिए उसको सामान के पास बिठा गए थे। फौरन यूसुफ के पास वापिस आए लेकिन यूसुफ का कुछ पता न था। कपड़े और सामान तो था लेकिन यूसुफ नहीं था। सिर्फ ये खून भरा कुर्ता मिला है। क्या यूसुफ के मदद का कोई जुबिन जगह से नहीं मिला ताकि उस पर खून रो या उसे दफन करके यादगार उस पर कोई मजार ही बना लो। बहुत ढूंढा लेकिन सिवाय इस कुर्ते के इसकी कोई निशानी नहीं मिली। मुझे उसकी बू आ रही है। मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी? उसने अपने बच्चे मुझे सौंपे थे। न जाने लोने तो तेरे ऊपर जिन्होंने उसे चीतार डाला। मैं तुम्हारी दास को कैसे बर्दाश्त करूंगी? क्या वाकई भेड़िए के हमले के वक्त यही कुर्ता यूसुफ के तन पर था? जिस भेड़िया ने मेरी यूसुफ की जान ली वो कितना मेहरबान था कि जिस्म को तो चीर फाड़ डाला लेकिन उसके कुर्ते को जूं का तू छोड़ दिया। ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो नबी खुदा ने देखा था जिसमें 10 भेड़िए एक बच्चे पर हमला कर रहे हैं। नहीं नहीं
यूसुफ पर किसी भेड़िए ने हमला नहीं किया। इस बात का गवाह ये कुर्ता है। यहूदा, अगर यूसुफ को भेड़िए ने चीर फाड़ डाला तो ये कुर्ता क्यों सलामत है? ये क्यों साबित और सालिम है? हाँ, इस तरफ हमारा जहन गया ही नहीं। ताज्जुब है माँ, ये कुर्ता फटा क्यों नहीं, साबुत कैसे रह गया? हाँ सही कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताओ क्या हुआ है शामून, हकीकत क्या है? हमें खुद नहीं पता माँ, वाकई ताज्जुब की बात है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया, लेकिन इतना यकीन है जो कुछ हुआ उसमें नफ्स की इताअत शामिल थी और इसी नफ्स ने हमारे अमल को तुम्हारे सामने खूबसूरत बनाकर पेश किया है। यकीनन इस तमाम वाक्य में शैतान ने तुम्हारी मदद की है। हमें भी कुछ नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया, हमारा क्या कसूर है? तुमने अमानत में खयानत की है, तुम्हें तो चाहिए था कि अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते। अभी और इसी वक्त जाओ और यूसुफ को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। माँ हमारा यकीन करो, हमने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं तुमसे कह रही हूँ अभी और इसी वक्त ढूंढ कर लाओ यूसुफ को। चलो चलो यूसुफ को ढूंढने की कोई तदबीर करें। देखा कैसी मुसीबत खड़ी कर दी फर्जंदान इस्राइल, तुमने ही रोक दिया था। अगर यूसुफ को मारकर इसका बदन का कोई हिस्सा ले आते तो ये किस्सा ही तमाम हो जाता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अब भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ तक भी बिल्कुल फजूल में तुम लोगों का साथ दिया, अगर ऐसा कोई कदम उठाया तो यकीन जानो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ क्या करें, बाबा को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो तो मालूम है, बाबा इतनी आसानी से धोखे में आने वाले नहीं है, लिहाजा यूसुफ को मारने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। चलो चल के ढूंढो और कुछ हिले बहाने बनाओ, शायद इसी तरह उन्हें यकीन आ जाए। سلام بر یوسف نبی، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم اسحاق، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر یوسف صدیق۔ سلام، آپ کون ہیں؟ تمہاری دلجوئی اور حفاظت پر مامور پروردگار یکتا کا قاصد ہوں، تمہاری حفاظت اور دلجوئی کے لیے۔ میرے بھائی مجھے کنویں میں ڈال کر چلے گئے، انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ زخمی کر دیا۔ جانتا ہوں،
लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा? उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे भाइयों ने जुल्म की बुनियाद डाली है। जो जुल्म सितम फर्जंदान इसराइल ने तुम पर और अपने बाबा पर ढाए हैं, वही जुल्म सितम उनकी औलाद बाद में आने वाले अंबिया पर ढाएंगी। वो बहुत से नबियों को रंज तकलीफ पहुंचाएंगे और बहुत सों को कत्ल कर देंगे। कोई भी नबी उनके शर से महफूज नहीं रहेगा। मैं उनके लिए परेशान हूँ, उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। मुस्तकबिल में बिलाखिर तुम उनसे तौबा करवा लोगे और उन पर बालदस्ती हासिल करके उन्हें ताइब कर लोगे। मुझे तन्हा मत छोड़े, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूसुफ को चाहिए कि सख्तियां झेलने का आदि बने। याद रखो, यूसुफ जब तक कुएं की गहराई में नहीं उतरेगा, ओजे का माल और जाहो जलाल को नहीं पहुंच सकेगा। बाबा ने मुझे रिसालत की खुशखबरी दी है, आप बता सकते हैं ये वादा कब पूरा होगा? तुम यहाँ इस गहरे कुएं में नहीं, बल्कि इनायत खुदावंदी के साये में हो। इस वादे के पूरे होने में अब ज्यादा देर नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैदोबंद के लिए नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रसालत के लिए मुंतखब किया है। ऐ फरिश्ता खुदा यकता, कहाँ हैं आप? मैं जानता हूं कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया है, लेकिन उस पर क्या मुसीबत टूटी नहीं जानता, नहीं जानता। वाकई में हम किस कदर जलील हैं, हजार चेहरे वाले रियाकार और चालबाज। कोलिए बाबा, मुझे पता है कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुदाबंदे यक्ता की कसम कि हमने आपसे सच कहा है, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। और मैं ये भी जानता हूं कि इस मुसीबत में परवरदिगार मेरी मदद करेगा, लेकिन आज से तुम्हें उस वक्त तक नहीं बख्शूंगा जब तक कि यूसुफ की कोई खबर नहीं मिल जाती। या खुदा,
अब मैं मजीद बाबा की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं ताकि यूसुफ को निकालकर बाबा के पास ले आऊं। यूसुफ का वापस लौटना यानी बाबा की बद्दुआ यानी रुसवाई यानी नीस्ती और नाबूदी। तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने इरादा कर लिया है शमून, और अब तुम लोग भी मुझे नहीं रोक सकते। तुम लोगों से कुछ बईद नहीं, तुम तो अपने बाप को भी कत्ल कर डालो, मेरी क्या औकात है? जनाब याकूब, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? क्या बात है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हम हैं कनान के लोग या नबी अल्लाह, यकीन हूं, दरवाजा खोलिए। दरूद हो याकूब नबी पर। आप पर भी खुदा का दरूद हो। नबी खुदा की दिलजोई और गम गुसारी के लिए आए हैं, अगर हमारे लिए कोई खिदमत हो तो बिला दरेक कह दीजिए। अभी नहीं मालूम मेरा यूसुफ जिंदा है या मर गया। मेरे बेटे कहते हैं कि उसे भेड़िए खा गए, और ये सच नहीं है। लेकिन अगर कोई और मुसीबत उस पर टूटी है तो उसका पता नहीं है। परेशान मत होइए, अगर जिंदा हुआ तो उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे, इस सहरा का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। इस वक्त मुमकिन नहीं, सुबह होने का इंतजार करना होगा, दिन की रोशनी में आसानी से ढूंढ सकेंगे। नहीं, सुबह तक तो मुमकिन है देर हो जाए, तलाश अभी और इसी वक्त से करनी चाहिए। लेकिन हमने तो सब जगहों पर ढूंढ लिया है। चरागाह में भी देख लिया है? जी हाँ, चप्पा चप्पा छान मारा हर जगह, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर भी हम दोबारा ढूंढेंगे, अब हम तादाद में ज्यादा हैं। लगता है तुम्हें ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं। नहीं नहीं, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है। मेरी अबा ले आओ। मकफीरा के रास्ते से चरागाह जाएंगे। हम भी आ रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं, तुम लोग यहीं रुको। अगर कहीं यूसुफ मिल गया तो फिर हमारा क्या होगा? बाबा कयामत तक हमें नहीं बख्शेंगे। बेहतर होगा हम खुद ही यूसुफ को उनके पास ले आएं और उनसे माफी मांग लें और इस किस्से को खत्म करें। बाबा की जानशीनी का क्या होगा, उनकी तवज्जो और मोहब्बत का क्या होगा? इसके बाद तो वो हमें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बाबा अभी हमें कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे। ये वक्ती है, थोड़े दिन गुजरेंगे तो यूसुफ को भूलकर हमें तवज्जो देने लगेंगे। अगर वो आज रात मिल गया तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। क्या भूल गया कि हमने यूसुफ को चरागाह से बहुत दूर रखा है? यहाँ खड़े रहना बेकार है, चलो चलकर उनके साथ ढूंढते हैं।
सलाम या नबी खुदा। आप पर विश्राम। हमने पूरी चरागाह छान मारी, जगह जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन खारे पानी के कुएं तक गल्ला गुजरने के आसार मिले हैं, आज उस जगह भी ढूंढेंगे। हमें भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर इस तरह हाथ कर लें, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूं। चलें। इसमें शक नहीं कि आज वो यूसुफ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ऐसी सूरत में बाबा से क्या कहोगे? देखेंगे, अभी मिला तो नहीं। बेहतर होगा उनके साथ चलें और उन पर नजर रखें। سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل۔ میرے دوست آپ کہاں تھے؟ ڈر کے مارے میں ساری رات نہیں سویا۔ یوسف کے لیے بہتر ہے کہ مشکلات جھیل کر کندن بنے اور سختیوں کی عادت ڈالے۔ تو کیا اب یوسف کو یہیں اس کنویں کی گہرائی میں جھیلا پا کر پروان چڑھنا ہوگا؟ یوسف دردانہ کو پروان چڑھنے کے لیے ابتدا میں ایک دانے کی مانند زمین کے سینے میں پوشیدہ ہونا ہوگا، تاکہ پھر رشد کرتے ہوئے آخر کار زمین کے حصار سے نجات پائے۔ یعنی ایک دن میں اس کنویں سے نجات پا لوں گا؟ ہاں قریب، میں تمہیں رہائی کی یہی بشارت دینے آیا ہوں۔ میرے بابا کہتے تھے یہ دنیا مومن کے لیے ایک تاریک کنویں کی مانند ہے۔ پھر تمہارے لیے تو کوئی فرق ہی نہیں رہا یوسف، کنویں کے اندر ہو یا باہر ایک ہی بات ہے۔ مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے۔ اگرچہ تم اپنے بابا یعقوب سے جدا ہو، لیکن یہاں محبوب حقیقی کے قریب ہو۔ بیچارے میرے بابا پتا نہیں کس حال میں ہے۔ کیسا ہوگا اس شخص کا حال کہ جس کا کوئی عزیز کھو جائے؟ قریب ہی ہے، میں تمہیں رہائی کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یوسف! یوسف!
एक खारे पानी का कुआं उस दस्त के पास है, वहां नहीं देखेंगे? जानता हूं, लेकिन कोई भी गल्ले को खारे पानी के कुएं के पास नहीं ले जाता। चलते हैं। फिलहाल तो कुएं के पास नहीं गए। क्या यूसुफ का सोने का इरादा नहीं? कल रात नहीं सोया था, बहुत सख्त नींद आ रही है। सो जाओ। खुदा यक्ता का इरादा तो कुछ और है यूसुफ, तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। ये वक्त तुम्हारी बेदारी का नहीं है, सुकून से सो जाओ। हमने सारी जगह तो देख ली, कुएं के अंदर भी देख ली। बच्चा है, हो सकता है खेलते खेलते उसमें गिर गया हो। यूसुफ, 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 बहुत गहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इरादा खुदा यक्ता तो कुछ और है यूसुफ, तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। खुदा नहीं चाहता कि फिलहाल तुम बाप की आगोश दोबारा पाओ। अच्छा हुआ वो नहीं मिला। यूसुफ को क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दिया उसने? कहीं अगर मेरे भाई यूसुफ को कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं है। तुम्हें इसका कसास देना होगा। तुम ये बात कैसे कर सकते हो? जब तुम लोग घर पहुंचोगे तो खुद ही जान जाओगे। तुम्हें यकीन है कि तुम घर वापस पहुंच सकोगे? तुमसे कुछ बईद भी नहीं। जिनके हाथ एक भाई के खून से आलूदा हो सकते हैं तो दूसरे भाई के खून से क्यों नहीं हो सकते, और तीसरे भाई और चौथे और आखिरकार बाप के खून से क्यों नहीं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब घर जाएंगे तो बाबा को बता देना कि यूसुफ को दूर करने का मंसूबा किसका था। यूसुफ, मैं जिंदा हूँ। यूसुफ, 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 यूसुफ जिंदा है, आवाज आ रही है। लावी तुम हो? हाँ मैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सो गया था। क्या कर रहे हो? परिंदों के साथ बैठा हुआ हूँ। नुकसान तो नहीं पहुँचाया? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस जरा भूख लगी है। ये लो, तुम्हारे लिए थोड़ा खाना लाया हूँ। बाबा कैसे हैं? ठीक नहीं है।
बस सब्र कर लिया है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दुआ करें मुझे भी फरार आ जाए। पता नहीं मैं बाबा से दूरी का गम किस तरह झेलूंगा। आज तक एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रहा था। खुदा याकूब नबी को सलामत रखे। अफसोस है कि यूसुफ की कोई खबर कोई पता नहीं मिल सका। लगता है वो कनान में नहीं है, अगर होता तो जरूर मिल जाता। खुदावंद आप सबको जजाए खैर दे। आपने इतना भी अपनी कुव्वत और मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा किया है। बस खुदा से दुआ करें कि जल्द मेरा यूसुफ मुझसे आ मिले। बच्चे आ गए, लेकिन यूसुफ की कोई खबर नहीं। मेरा भाई नहीं आया। क्या वो अब कभी नहीं आएगा? अगर खुदा ने चाहा तो जरूर आएगा, बस जरा सब्र से काम लेना होगा और इंतजार करना होगा। याकूब की मदद फरमा। खुदा याकूब पर रहम कर, वो यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते।